ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा और आज हम बात करेंगे इस श्रृंखला में कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, अप्रैल मंथ महापरिवर्तन का मंथ है, पहले भी बता चुका हूं। और इसको महापरिवर्तन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही माह में 7 ग्रहों का राशि परिवर्तन और जिसमें बुध ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन करेगा तो 8 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जो अब तक के मेरे लाइफ के हिसाब से जो मैंने चेक किया है, कभी ऐसी युति पहले मैंने नहीं देखी है। इसलिए महापरिवर्तन का समय है। अगर आपको इस तरीके की कोई युति दिखी हो कभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बेहद ही बड़ा महापरिवर्तन की मैं संज्ञा इसको दे रहा हूं। कर्क लगन का जो स्वभाव होता है, वैसे भी बड़ी इमोशनल लोग होते हैं और सर्दी खांसी जुकाम लग जाना बड़ी सामान्य बात कर्क लगन वाले जातक होते हैं। हमेशा दूसरे के लिए मदद करना और जब आपकी बारी होती है तो आपको कोई भी मदद नहीं करता, यह कर्क लगन का जनरल स्वभाव होता है। देखिए, जो बड़े ग्रहों का राशि पर परिवर्तन हो रहा है उसमें सभी बड़े ग्रहों का आप नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। मंगल ग्रह का 7 तारीख कोई राशि परिवर्तन होगा, इसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को हो जाएगा, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का और 14 को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा, एक 8 को होगा और एक 25 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र का 27 को और अंत में 29 अप्रैल को जाते जाते शनि देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जनवरी फरवरी और मार्च का मासिक राशि पर आप लोग पोर्टल पे लाता और अब मुझे समय मिला है कि मासिक राशिफल सभी के सामने जा सके। मासिक राशिफल की श्रृंखला में कर्क लगन में सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में, क्योंकि मंगल देव एक तो आपके दशमेश होते हैं, आपके पंचमेश होते हैं और अत्यंत योग कारक ग्रह। 7 तारीख तक ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे और आपके लगन से सप्तम स्थान पर रहेंगे, तो उच्च का सुख सुविधा उच्च का ये देने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप के साथ नए प्रकार की पार्टनरशिप डीलिंग हो जाए या कार्य व्यवसाय को लेकर किया जाए या प्रेम प्रसंग को कहा जाए, हर तरीके से अच्छा परिणाम मंगल देव देने वाले हैं। लेकिन मंगल देव अष्टम में पहुंच जाएंगे और अष्टम में जब मंगल देव पहुंचेंगे तो कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की रुकावट आने की संभावना जरूर ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इसके अलावा जो मंगल देव रहेंगे यहाँ पर परिवार में खुशियों का वातावरण जरूर बना देंगे, अकस्मात यात्राओं पर आपको लेकर निकलेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीजें होने वाली है राशि परिवर्तन में, वो आपका जो देवगुरु बृहस्पति हैं जो अभी तक अष्टम में जाकर बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा निगेटिविटी अगर कर्क लगन में कुछ बन रही थी तो वो यही श्रृंखला बन रही थी। लेकिन अब कर्क लगन की ये अष्टम से निकल के नवम में जाएंगे और अपने ही घर में रहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उच्च दृष्टि से आपके लगन को भी देखेंगे। पर्सनालिटी जो होगी काफी, यानी आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आने, मानसिक पीड़ाएं खत्म हो जाए, अन्य पद प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, ये भी कन्फर्म है और मेहनत भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा पॉजिटिव रिस्पांस लाने के लिए। लेकिन देवगुरु का जो राशि परिवर्तन है, हर तरीके से, चाहे वो विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा की बात कर लिया जाए, चाहे प्रेम प्रसंग की बात कर लिया जाए या संतान की बात कर लिया जाए, हर तरीके से कर्क लगन में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा परिणाम देने के लिए वेट कर रहे हैं। और कई बार ये जो राशि परिवर्तन होता है इसका प्रभाव एक आध महीने पहले या 10 दिन पहले भी आ जाता है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कई लोगों का राशि परिवर्तन पहले भी स्टार्ट हो गया होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट राशि परिवर्तन होगा, राहु केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन में राहु जो है अग्नि तत्व में चले जाएंगे और अग्नि तत्व में मंगल की राशि में जब राहु जाएंगे तो निश्चित रूप से
बहुत अच्छा पर लेकिन राजनीतिक सफलता यहाँ पर जरूर आपको दे देंगे, राजनीतिक सफलता दे देंगे। हो सकता है आपको ट्रेडिंग में काफी अच्छा लाभ करा दें यहाँ पर, और हालांकि अंगारक दोष जरूर बनाएंगे लेकिन फिर भी ओवरऑल राहु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये राहु देवता की जो पंचम दृष्टि आपके गले में जाएगी तो आप चाहिए ना चाहिए आपके मुख से कई बार झूठ भी आपको बोलना पड़ सकता है। लेकिन मंगल देवता की राशि में जब राहु देवता पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से राहु की जो नवम दृष्टि रहेगी वो आपको लीगल केस में अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई देगी। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट केस के मुकदमे चल रहे थे तो वो कोर्ट केस आपके फेवर में आ जाएगा। कर्क लगन वाले जातकों के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाला राशि परिवर्तन है, हालांकि उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना होना चाहिए, वो है शनि देव का राशि परिवर्तन। शनि देव अपने मूल त्रिकोण में जाएंगे, अपने कारक भाव में जाएंगे और वहां पर बैठेंगे तो अकस्मात एक बड़ा धन देने की पूरी कोशिश करेंगे। मारक ग्रह है तो धन तो देंगे लेकिन विवाद भी करा देंगे उसी धन के लिए, क्योंकि मारक ग्रह अपना स्वभाव कभी भी नहीं चेंज करते। कारक भाव में है तो मारकत्व में कमी जरूर रहेगी। नीच दृष्टि से आपको जॉब में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आप एक जगह स्टेबिलिटी के लिए पूरा ढूंढ लेंगे अगले 2.5 साल तक। स्टेबिलिटी नहीं देगा ये कर्क लगन वाले जातकों के लिए, स्टेबिलिटी जॉब के लिए नहीं मिलने वाला है और जॉब में परिवर्तन ज्यादा तेजी से अगर किसी एक लगन में होगा तो वो कर्क लगन ही बन रहा है। इसके बाद भी आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन के पर्याप्त योग आपके चार्ट में बन रहे हैं, लेकिन हर तरीके से जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है वो एक तरफ और बाकी सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन आप एक तरफ मान सकते हैं। ओवरऑल चीजें आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगी। इसके अलावा मंगल देवता जो आपके अष्टम में जाएंगे तो उस समय 7 तारीख के बाद से अप्रैल में हो सकता है कि तो परिवार में खुशियों का वातावरण तो आए लेकिन आवाज थोड़ा सा आपका ज़्यादा रुद्र हो जाए, काफ़ी एग्रेसिव बातें आप करना स्टार्ट कर दें और ये एग्रेसिव बातें करना आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। साथ में जो बुध देवता का राशि परिवर्तन होगा वो आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, चाहे वो मेष में जा रहे हों चाहे वो वृषभ में जा रहे हों, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन ओवरऑल जो केतु है वो आपके माता के स्वास्थ्य में गिरावट लाएगा, ये कन्फर्म है। अगर आपका कोई मकान है तो वो लोन पर जा सकता है या हो सकता है कि उसको सेल करने की नौबत आ जाए, या हो सकता है आप उस पर एडिशनल ओडी का जो सुविधा होता है, इस तरीके की चीज़ें। कुछ मकान से रिलेटेड निगेटिव समाचार देखने को मुझे दिखाई दे रहा है। केतु का राशि परिवर्तन माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट लाएगा और साथ में लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, और जिनको ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस की समस्याएं हैं जो एस्थमेटिक हैं उनको बहुत यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। तो ओवरऑल जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है वो कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि नौकरी व्यवसाय को लेकर स्टेबिलिटी बहुत जल्दी नहीं मिलेगी, आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। मान पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यक्तित्व निखरेगा और पर्सनालिटी डेवलप होने के कारण आपका नाम जो होगा वो आपका नाम काफ़ी तेजी से चारों तरफ फैलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कुछ परेशानी जो आएगी वो परिवार से थोड़ा सा दूर रहने की भी समस्या आ जाएगी, मकान का बिक जाना या मकान को किसी कारण से सेल कर देना, ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर आ सकती है। माता के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है। अब हम संक्षेप में समझते हैं, ये तो सारे ग्रहों का मिश्रित करके संक्षेप में बताने की मैंने कोशिश किया है कर्क लगन के लिए, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए स्वास्थ्य की बात किया जाए, देखिए स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा, ये तो मैं श्योर हूँ। स्वास्थ्य इस समय सामान्य से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का जो डिपार्टमेंट मिला है देवगुरु बृहस्पति को मिला हुआ है। हालांकि देखिए इस समय आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में जा रहे हैं, मूल त्रिकोण तो नहीं कहेंगे लेकिन त्रिकोण भाव में जाने के कारण गुप्त शत्रु का जो इनको दोष लगा रहता है, छठवें घर का जो दोष लगा रहता है उस दोष के कारण गुप्त शत्रु बढ़ेंगे नहीं है।
जब आपका नाम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है शत्रु भी बढ़ेंगे, तो इसका मतलब कन्फर्म है नाम तो बढ़ने वाला है तभी तो शत्रु बढ़ेंगे, ये कन्फर्म है। इसके अलावा स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और एक बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी उनको जिनको लीवर से रिलेटेड परेशानियां ज़्यादा चल रही थी, पेट अकस्मात बहुत ज़्यादा उधर संबंधित परेशानियां हो रहा था, पेट फूल रहे थे, ऐसे लोगों के लिए कर्क लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम आने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कारक भाव में जाने के कारण, आप लोगों को पता होगा देवगुरु बृहस्पति पांच भाव के कारक होते हैं, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं, और कारक भाव में ही जा रहे हैं और स्वराशि भी रहेंगे और उच्च दृष्टि से भी देखेंगे आपके लगन को, तो हर तरीके से अच्छा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन एक तरफ, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन एक तरफ, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत मेजर परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन वाहन चलाते समय समय बेहद सावधानी बरतिएगा। जब 7 अप्रैल के बाद मंगल देव अष्टम में जाएंगे तो अष्टम का मंगल यहाँ पर एक्सीडेंट योग जरूर बनाएंगे, चाहे वो एक्सीडेंट थोड़ा छोटा हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, जिसमें पैर में चोट लगने की संभावना, वो भी लेफ्ट पैर में, ऐसी संभावना काफ़ी तेजी से बढ़ सकती है। तो इसके लिए आपको शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का आपको दान करना चाहिए, अपने प्रतिबिंब को सरसों के तेल में देखकर उस को आपको दान कर देना चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर तो मुझे अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन एक्सीडेंट के लिए मैं आज ही सतर्क कर दे रहा हूँ। 7 अप्रैल इस डेट को नोट कर लीजिएगा, जैसे ये डेट निकलेगा वाहन के, और कई बार क्या होता है 5-6 दिन या 7 दिन पहले ही छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन के कारण प्रभाव आ जाता है, तो लेकिन होना ज़रूर है, चाहे छोटी चोट लगे चाहे बड़ी चोट लगे, वो भी पैर की चोट लगे, ऐसा आप चेक कर लीजिएगा। गोचर का परिणाम है, जिनको एग्जैक्ट चाहिए उनके लिए हम कस्टमाइज राशिफल की सुविधा ऑलरेडी हमने दिया हुआ, जो डिस्प्ले में भी आपको लगातार दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल अगर जीवन साथी की बात किया जाए तो जीवन साथी के साथ सहयोग और प्रेम संबंध बढ़ेंगे, ये कन्फर्म है। कोई एक बड़ा निवेश आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कर सकते हैं, और शायद इसीलिए जो दिखाई दे रहा है मकान को सेल करने का कंडीशन जो बन रहा है, शायद इसीलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। लेकिन जीवन साथी के साथ मिलकर या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर एक बड़ा निवेश आप करेंगे और उस निवेश में सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस समय दिखाई दे रही है। ओवरऑल समय अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लोग एक जगह रुककर काम करते हैं, एक ही जगह पर है, उनको स्टेबिलिटी ढूंढते रह जाइएगा, एक साल तक स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं। जॉब के लिए आपको काफ़ी परेशान करा देगा ये राशि परिवर्तन, और जॉब उन लोगों के लिए और जो लोग ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, जो मैनेज करते हैं, उनके स्थान परिवर्तन तो पक्के हैं, ये कन्फर्म है। और कई बार आपको इधर से उधर भागना पड़ेगा, ट्रैवलिंग, ये हर तरीके से चार्ट में निकल के आ रहा है, चाहे नवम भाव का बृहस्पति हो, चाहे वो दशम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही हो, या सप्तम दशम भाव पे राहु मंगल की राशि में अंगारक दोष बना रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैर के कुछ पोर्शन में जलने की भी संभावना दे रहा है कि कुछ पोर्शन पैर के आसपास, घुटने के आसपास चोट लगेगा, जलेगा, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन कई चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, सारे लगन से अलग राशि परिवर्तन एटलीस्ट कर्क लगन का होगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक तरफ और बाकी सभी ग्रह एक तरफ रहने वाले हैं, तो हर तरीके से ओवरऑल बाकी लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो कर्क लगन का राशि परिवर्तन अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं मैं मानूंगा। केवल आपको ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है, समय से अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरु का बीज मंत्र इसी ड्यूरेशन में अगर आप करते हैं, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट ना हो, इन सब चीज़ों को अगर आप चाहते हैं तो गुरु का बीज मंत्र कर लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस समय गलती से भी किसी को भी लाल मूंगा इस समय धारण नहीं करना चाहिए, अगर आप कर्क लगन के हैं तो इस समय लाल मूंगा अगर आप धारण करते हैं और वो भी 7 अप्रैल के बाद, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, तो इसलिए विलंब से ही धारण कीजिएगा इसको। तो ये था पूरा अप्रैल मंथ कैसा बीतने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कार्य व्यवसाय में स्थायित्व के लिए आप
दौड़ेंगे भागेंगे, हालांकि फाइनली स्थायित्व मिल जाएगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पर्सनालिटी डेवलप होगा और प्रेम प्रसंग भी आपके बढ़ेंगे। तो ये था पूरा महापरिवर्तन अप्रैल 2022 का कर्क लग्न के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।